चलिए। लक्ष्य कपूर, हाँ जी लक्ष्य कपूर, रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अनम्यूट यू एंड आई विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। लक्ष्य कपूर रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, यू विल आंसर दैट क्वेश्चन। इज लक्ष्य प्रेजेंट? नो आई डोंट थिंक सो। लक्ष्य टंडन, चलो लक्ष्य टंडन आप बोलो फिर उसकी जगह, ठीक है लक्ष्य ही है ना। चलिए अनम्यूट योर सेल्फ लक्ष्य। ओके सो क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट इज वन गॉस इक्वल टू? वन गॉस इज हाउ मेनी टेस्ला? वन गॉस इज हाउ मेनी टेस्ला? डू यू नो द आंसर लक्ष्य? नो मैम। बेटा देखो पेपर आपका ये सिलेबस ओवर हो गया, आपको पता होना चाहिए अब। Yes, anyone else? So question passes. Who can answer this question? One versus how many Tesla? Yes, Tanya. Yes, Tanya. Ma'am, one Tesla is equals to 10 raised to power 4 Gauss. हाँ, पर मैंने पूछा one Gauss is how many Tesla? 1/10^-4 हो गया, ठीक है। सो आंसर इज 10^-4। चलिए लेट अस सी नेक्स्ट टर्न किसकी। अक्षित, अक्षित इज एब्सेंट आई सपोज। अक्षित इज देयर? अक्षित अगर आप हो तो हैंड रेज करो। आई डोंट थिंक सो ही इज हियर। सो लेट अस सी नेक्स्ट टर्न किसकी है। आई विल गो ऑन रिमूविंग जिसकी टर्न होती जा रही है, ठीक है। भानु, are you there? हाँ, एक सेकंड। यस भानु, अनम्यूट योर सेल्फ। हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ? यस मैम रिपीट करना। हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? मैम बाय रैपिंग द कॉइल अराउंड आयरन नेल। अब वो तो चलो बनता ही है। एंड एडिंग मोर टर्न्स। हाँ, एक पहला फैक्टर हो गया बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, और सेकंड फैक्टर क्या है? हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ? बाय इंक्रीजिंग द करंट। Yes, second factor is by increasing the amount of current flowing in the circuit. Very good. Daksh, आप क्या कह रहे हो? Wait for your turn, Daksh. मैम अगर हम कॉइल के टर्न्स इंक्रीज कर दें तो भी तो हो ही जाएगी इंक्रीज, जो उसकी स्ट्रेंथ है, अगर हम एन टर्न्स इंक्रीज कर दें। हाँ तो उसी के ही टर्न्स की बात कर रहे हैं। आयरन नेल के ऊपर कॉइल का टर्न्स ही तो है, उसी के ही टर्न्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के ही बढ़ेंगे और किसके, वही कह रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट टर्न लेट्स सी। दक्ष की टर्न आ गई। Yes, sir. Unmute yourself and tell me what is the value of Earth's magnetic field? What is the value of Earth's magnetic field? What is the value of Earth's magnetic field? Ma'am, 0.25 to 0.65
गॉस 0.35 गॉस ठीक है 0.35 गॉस ठीक है अब क्लोज हो उसके चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार यस पार पार्थ इज देयर हाँ जी अनम्यूट करो पार्थ अपने आप को पार्थ अनम्यूट योरसेल्फ पार्थ अनम्यूट योरसेल्फ नहीं बोलोगे पार्थ यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट हाँ बोलो अनम्यूट करो I'm asking you to unmute. Parth, unmute yourself. Your question is, the magnetic field pattern due to a bar magnet resembles that of dash. The magnetic field pattern due to bar magnet resembles the magnetic field pattern due to dash. Parth, aapka question hai ye? Okay, then who knows the question passes to you now? Whosoever knows, raise the hand now and answer the same question. Who can answer? Akshit, aapki turn nikal chuki hai, aap bata sakte ho. Akshit Dua, aapki turn aayi thi pehle, you were not there at that time. Would you like to answer? Akshit, okay, Navya, aap batao. Ma'am, solenoid. Solenoid, very good. Magnetic field pattern of a solenoid and bar magnet, they are similar. Bilkul waisa hi same pattern hai. North to south and then bahar ki taraf, udhar dono side se. Poles ke paas, ends ke paas, magnetic field strength maximum hai. Otherwise, center ke paas minimum hai, like that. Theek hai? Yes, Daksh? Ma'am, menti le lo, ma'am. Aise menti se jaha. मेंटी को इससे ज्यादा अच्छा है मैम मेंटी ले लो कोई बात नहीं वो एक बार कर चुके हैं ना कोई बात नहीं लेट्स ट्राई थिंग्स आपकी टर्न आ गई है ना इसलिए कह रहे हो कोई बात नहीं बाकी को भी एंजॉय करने दो ठीक है चलिए लेट अस सी नेक्स्ट टर्न किसकी है मेंटीमीटर में कई बच्चे कर ही नहीं पाते हैं उसको ओपन डायना Yes, Naina. Raise hand. Where is she? Raina is present. Haan. Unmute karo. Raina. How can you, your question is, how can you increase the magnetic field due to a straight wire carrying current? You are given a straight wire carrying current. How can you increase its magnetic field? स्ट्रेंथ कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो उसकी एनी वन वे सजेस्ट एनी वन वे ऑफ डूइंग दिस यस रायना डू यू नो द आंसर इंक्रीज द नंबर इंक्रीज द स्ट्रेट वायर है वो हेलो दैट वायर इज स्ट्रेट इंक्रीज व्हाट Increase the number of turns. जी वो स्ट्रेट वायर है उसमें कोई टर्न नहीं है सक्षम आप बताओ मैम बाय इंक्रीजिंग द करंट हाँ चलो ये हो सकता है बट विजिबल डिफरेंस क्या अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज करने पे भी होगा बट एक विजिबल वे क्या है इसको बहुत एप्रिशिएबली एनहांस हो जाएगा उससे मैग्नेटिक फील्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास कौन बताएगा यस तान्या मैम उसको रोटेट करके सर्कुलर फॉर्म में कर लेंगे यस वेरी गुड जो बच्चे क्लास में ध्यान से सुनते हैं उनको पता है बाय बेंडिंग दैट स्ट्रेट वायर इनटू अ सर्कल ओके बिकॉज नाउ बोथ द एंड्स विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट ठीक है स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक साइड पे होगा स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक साइड पे होगा राइट बट अगर उसी वायर का हम सर्कल बना देंगे देन बोथ द एंड्स विल कंट्रीब्यूट
end will contribute or the center current magnetic field go up, that will be much, much greater than the magnetic field due to straight wire. जो स्ट्रेट वायर का फील्ड का उससे कहीं ज्यादा होगा ये वाला नहीं, ठीक है। सो अब देख लो, पहले एक वायर थी स्ट्रेट, एक साइड में फील्ड अप्लाई किया था, अब दोनों साइड में फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और सब एड होकर सेंटर पे काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज एनहांस्ड ग्रेट बाय अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। दिस इज द रीजन, इज दैट ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टर्न किसकी। जिया, हां जी जिया, यस जिया, रेज हैंड। जिया अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, how your yes, question, yes. Your question is, which rule has been applied here? Which rule is this? Which rule we have applied here? जो आप देख रहे हो सामने, do you know the answer? No ma'am, no ma'am. जिया धवन आप बताओ फिर, दूसरी जिया बता देगी आंसर अब। जिया धवन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, जिया धवन, बच्चे आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट, यू टेल मी नाउ विच रूल वी हैव यूज्ड हियर। वेरी सिंपल दिस इज, जस्ट यू हैव टू नेम दैट रूल, डोंट वांट टू। चलो नव्या आप बताओ। मैम राइट हैंड थंब रूल। फुल नेम, फुल नेम ऑफ द रूल। Maxwell's right hand thumb rule. Yes, very good. That's Maxwell's right hand thumb rule. And Tanya, now you state that rule. What is Maxwell's right hand thumb rule? Imagine the conductor in your right hand so that the thumb points in the direction of current, then the curling fingers will give the direction of magnetic field lines. Yeah, yes, very good. So if the current is flowing upward, the sense is anti-clockwise. If current is flowing downward, the sense is clockwise. So this way, by Maxwell's right hand thumb rule, we can find the direction of magnetic field due to a wire carrying current. Let us see the next question now. Chahar. Yes, Chahar is present. Is Chahar here? No, I don't think so. So next turn, dekhte hain kiski hai. Dishant, Dishant is present. Dishant is present. Raise hand if you are present. Dishant, I don't think so. Next turn. Srishti is present. Yes, is she present? Okay, next dekhte hain. We started from 30, now 22 are left. Prikshit. Yes, Prikshit now. Prikshit is there? Yes, he is here. Prikshit, unmute yourself. भाई ऐसे मत करो, अब आप ये फिर प्ले करो ना साथ में पूरी गेम। तो इट्स अ गेम ऑफ क्वेश्चन। परीक्षित अनम्यूट योर सेल्फ, इजी सा ही पूछूंगी मैं आपसे, अनम्यूट योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू आंसर इट। हरी अप परीक्षित, वॉन्ट। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये हैंड रेस किया परीक्षित ने आई थिंक। हाँ परीक्षित, वेरी गुड। Which material is preferred for making electromagnets?
आउट ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ. विच मटीरियल इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड विच मटीरियल इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट. प्रीक्षित, दिस इज योर क्वेश्चन, आंसर इट. प्रीक्षित, चलो तान्या आप बताओ फिर. मैम सॉफ्ट आयरन और इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट एंड स्टील फॉर परमानेंट मैग्नेट. यस प्रीक्षित, चलो आप रीजन बता दो. इफ यू हैव रेज्ड हैंड, आप रीजन बता दो इफ यू वांट टू. प्रीक्षित, व्हाई आयरन, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाई कांट वी यूज स्टील फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट? Yes, why can't we use steel for making electromagnets? We have discussed this point in the class already. Prikshit, bolo. Chalo, nahi ho pa raha unmute, koi baat nahi. Let's see next one. Dakshita is present. Dakshita is there? Yes. Dakshita, if you are there, raise hand. Chaliye next dekhte hain fir. I think she is absent. Attendance bhi ho rahi hai saath saath, hai na? Navya. Navya has already answered so many questions. But now it's Navya's turn. हाँ नव्य, अनम्यूट योर सेल्फ. वही क्वेश्चन आप आंसर दो उसका. व्हाई कांट वी यूज स्टील फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट? मैम बिकॉज देन मैग्नेट विल नेवर लूज इट मैग्नेटिज्म. यस, बिकॉज इफ वी यूज स्टील फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, वंस वी पास द करंट इट विल गो ऑन फ्लोइंग फॉर एवर एंड means the steel will get magnetized once current is passed through it. It will get magnetized forever. It will not lose its magnetism. Okay? Soft iron loses its magnetism when the current is switched off. And it gets magnetized when the current is switched on. So it is best material for making temporary magnets. Right? Okay, fine. Chaliye, next turn, let us see. Divyansh is present. Is Divyansh present here? Raise hand. Yes, Divyansh is present or not? I don't think so. Next. Yes, Siam. Aap wo bache, hand raise karo. Siam. Is she there? Is she here? Bolo. Jo electromagnet hai. Haan, electromagnet ki polarity to hum reverse kar sakte hain by reversing the direction of current. By reversing the direction of current, cell jo hai wo ulta karke laga do. To current ki direction reverse hogi, to polarity of poles bhi reverse ho jayegi. But we can't reverse the polarity of permanent magnets because they are permanent. Bar magnet is a permanent magnet. We can't change its polarity. It's permanently magnetized during manufacturing only. Okay? Chaliye, next. Mehak. Yes. Mehak, raise your hand. Hurry up. महक, अनम्यूट योर सेल्फ. बच्चे आप बताइए मुझे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? महक, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, आई थिंक सो. यस, एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर? विवान, यस.
principle to convert mechanical electrical energy into mechanical energy. वो तो definition है कि motor होती क्या. हाँ चलो महक आ गई. महक will tell. Yes. Ma'am, Fleming's rule. Fleming's rule. हाँ जी. Fleming's rule. बच्चे वो principle थोड़ी ना हो सकता है. वो तो हम rule use करते हैं but that is not the principle. Principle को state करिए words में. आता है आपको. चलो कोई और बताइए. एनीवन एल्स. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. क्वेश्चन इज ऑलरेडी विद यू. लेट अस सी हूज टर्न इज दिस. महक लोअर योर हैंड. कोई बात नहीं पढ़ लो आप. ओके मन्नत. चलिए मन्नत आप सुनाओ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. मन्नत प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बताइए. मन्नत इज देयर. ओके नेक्स्ट देखते हैं फिर. तान्या. तान्या ने बहुत सारे क्वेश्चन सुनाए हैं. चलो तान्या को रहने देते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. सबकी टर्न आनी चाहिए ना. वंस लक्ष्य मांगो. हाँ जी लक्ष्य है यहाँ पे. इज ही प्रेजेंट हियर. आई डोंट थिंक सो. ही इज प्रेजेंट. लक्ष्य इफ यू आर प्रेजेंट देन रेज योर हैंड. ओके सक्षम ग्रोवर. सक्षम ग्रोवर. हाँ जी बच्चे आप हो. सक्षम प्रेजेंट है. ओके आज आप बोले नहीं ना. चलो बताओ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. यस सक्षम व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. सक्षम बोलो. यू आर अनम्यूटेड. मैम पता नहीं. अच्छा चलो कोई और बच्चा. एनीवन एल्स क्वेश्चन पासेस. ओके नव्या. नव्या विल टेल मी. Ma'am, when the coil is placed in the magnetic field and the current acts on it, and when the current is passed through it, then the force acts on it, which shakes the coil continuously. Yes, very good. See, it's very simple. आप switch on करते हो, fan move करने लग जाता है, motor चलने लग जाती है. So when current is passed through a coil placed in a magnetic field, इतना तो सबको याद होगा कि there was a coil or poles of magnet. So when current is passed through a coil placed in a magnetic field, a torque acts on it that rotates the coil. उस पे एक टॉर्क एक्ट करती है that rotates the coil. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मनमीत इज प्रेजेंट. मनमीत इफ यू आर प्रेजेंट रेज हैंड. मनमीत इज प्रेजेंट. No. Okay. Riyan is present. Yes, Riyan. Raise your hand. Yes, Riyan. Is not here. Raina to hai. चलो 10 ही रह गए हम. प्रभजोत. यस प्रभजोत इज देयर. इज प्रभजोत हियर. नहीं है प्रभजोत. बच्चे थोड़ा मेरे को आइडिया दे दिया करो इफ एनीवन इज एब्सेंट. ओके परमवीर. परमवीर इज प्रेजेंट. परमवीर आप बताओ. नेक्स्ट इज योर टर्न. अनम्यूट योर सेल्फ परमवीर. यस अनम्यूट. आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट. परमवीर वुड यू लाइक टू आंसर द क्वेश्चन. नो. कहाँ गया. लेफ्ट हो गया आई थिंक है ना.
यस मैम. हाँ बच्चे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ईएमआई, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. What is EMI, electromagnetic induction or Faraday's first law? Bolo bache, I am asking you to unmute. Chalo wo jo reh gaye hain wo answer de rahe hain. Princy, aap bolo. Princy. Yes, ma'am. Haan, batao. What is EMI? मैम सॉरी याद नहीं आया. फैराडेज फर्स्ट लॉ ईएमआई है ना. हाँ विवान आप बताओ. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म. ये क्या हुआ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म. बच्चे अच्छी तरह से बताओ. चलो तान्या विल टेल. यस तान्या. And then there is motion between a coil and a magnet, and an induced EMF is produced. Yes. Then whenever EMF, there is a relative motion between a coil and a magnet, an induced current is produced in it. This is called EMI, and this is also Faraday's first law. Okay, who will tell me any device working on EMI? Name a device working on electromagnetic induction. Yes, Raina. Generator. What is the other name for generator? Dynamo. It is also called dynamo. Okay, Harleen, आपकी turn नहीं आई, आप भी बता दो. Harleen, when does a charged particle experience no force when it moves through a region of magnetic field? A charged particle is moving through a region of magnetic field. Under what condition it will not experience any magnetic Lorentz force? कौन बताएगा ये answer? A charged particle is moving in a region of magnetic field. Under what condition it will not experience any magnetic force? Kiski turn nahi aayi hai aur? Who would like to answer? Bisham, aap bataoge iska answer? Bisham Jor? Last question this is. Bisham, would you like to answer? Chalo, Princy, aap batao phir khatam karenge. Yes, ma'am. Haan, bolo. Ma'am, please repeat the question. When a charged particle moving through a region of magnetic field not experience any magnetic force. When it does not experience any magnetic force. When the magnitude of no. When there are parallel magnetic field lines. When it is moving parallel or anti-parallel to magnetic field. When theta is 0 degree or 180 degree. Then F is equal to QVB sine theta, that is zero. ठीक है? चलिए, all of you prepare the test now. Have a great day.